हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पवन वर्मा और गाइस आज की इस वीडियो में हम जिस कंपनी में जॉब ओपनिंग के बारे में बात करने वाले ये होने वाली है वेदांतु दोस्तों। और गाइस आपको ऑलरेडी पता है कि वेदांतु एक बहुत बड़ी एजुकेशन बेस्ड कंपनी दोस्तों। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये कि इस बार ये लोग वर्क फ्रॉम होम जॉब हायर कर रहे हैं, घर बैठ के आपको काम करना, घर से बाहर नहीं निकलना है। अब गाइस इसके अलावा हमें यहाँ पर दोस्तों एचआर की तरफ से डायरेक्टली गूगल फॉर्म भी हमें मिल गया। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे जो लोग भी एलिजिबल होने वाले हैं उनके पास रिस्पॉन्स यहाँ पे 100% आएगा। पर यहाँ पे दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले मीट करना पड़ेगा। अब गाइस देखो, ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, घर बैठे काम करना है। सेकेंड दोस्तों, फिलहाल आप पूरे भारत में किसी भी लोकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड दोस्तों, आप यहाँ फ्रेशर है, मतलब पहले काम बिल्कुल नहीं करा है। ऑल दो गाइस यहाँ पे कुछ मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है, पर दोस्तों अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस। और सैलरी पैकेज भी काफी अच्छी मिल रही है। सो दोस्तों डिटेल में सारे स्टेप को अच्छे से समझना, उसके बाद अप्लाई करना। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही जॉब के अपडेट देखने पसंद है, जल्दी से गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना गाइस, वीडियो को लाइक प्लीज कर देना। और ऐसे और अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब दोस्तों जिस प्रोफाइल के ऊपर वेदांतु यहाँ पे आपका हायर कर रहा है, ये दोस्तों आपका होने वाला है अकेडमिक काउंसलर के अंदर, जो कि आप इनसाइड सेल्स में काम करने वाले हैं। गाइस देखो यहाँ पे सैलरी पैकेज की बात करें तो यहाँ पे जो आपको इन हैंड के सैलरी पैकेज वो 3.3 से 5 LPA के बीच मिलेगा। इसके अलावा इंसेंटिव भी आप मान लो सिमिलर होने वाला है, पर इन हैंड आप मान लो कि मिनिमम आपको यहाँ पे 28-29 हज़ार से गाइस यहाँ पे आपको 40-42 हज़ार रुपये तक आपको यहाँ पे इन हैंड की सैलरी पैकेज आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा मिनिमम आपको 15-20 हज़ार रुपये तो आपका हर महीने इंसेंटिव आएंगे। तो आप ये मान लो कि 50-60 हज़ार रुपये मिनिमम आपके यहाँ पर सैलरी पैकेज आने वाली है। दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि इनसाइड सेल्स दोस्तों आपको टारगेट मिलेगा, वो अचीव करना पड़ेगा, और वो अचीव करेंगे तो आपका इंसेंटिव आएगा जाएगा। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे जॉब रोल की बात करें तो यहाँ पे आपको जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पहले वेदांतु के ऊपर क्लासेस अटेंड करा है, या जिनके पेरेंट जिन्होंने पहले वेदांतु पर इंटरेस्ट दिखाया है, आपको उन लीड से कॉन्टैक्ट करना है, उनसे पहले बात करना है, फिर उसके बाद उनके डेमो लेने आपको जूम पे लेना है या फिर जो भी वीडियो कॉलिंग के प्लेटफॉर्म वहाँ पे आपको लेना है। और उनके बाद दोस्तों आपको उनको जो भी बेस्ट यहाँ पे वेदांतु के प्रोडक्ट हो सकते हैं, जो भी उनके बेस्ट यहाँ पे कोर्सेज हो सकते हैं वेदांतु के, वो आपको उनको सजेस्ट करना और वहाँ पे आपको डील क्लोज करना दोस्तों। ये आपका मेजर यहाँ पे जॉब रोल होने वाला है। बेसिकली दोस्तों आपको यहाँ पे हर महीने में कुछ टारगेट मिलेंगे और आपको उसके अराउंड उस टारगेट को अचीव करना पड़ेगा, जिसकी ट्रेनिंग आपको कंप्लीटली टीम देगी, सारा सपोर्ट मिलेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। साथ साथ आपको लर्निंग भी दोस्तों यहाँ बहुत स्ट्रांग मिलने वाला है। ठीक है गाइस, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे चाहिए, मतलब कम से कम आप ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से, आप है बीए करा है, बीएससी करा है, बीकॉम करा है, आप बीटेक करा है, सारे गाइस यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम यहाँ पे 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए इनटू द सेल्स और कस्टमर सपोर्ट और वॉइस प्रोसेस और टेली सेल्स। तो अगर आपने मिनिमम 3 महीने 6 महीने किसी भी सेल्स के अंदर काम करा है, कस्टमर सपोर्ट में काम करा है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दोस्तों मिलेगा। पर गाइस मैं देखो यही बोलूंगा कि अगर आप एक्सपीरियंस नहीं भी है, 3 महीने 6 महीने का मतलब फ्रेशर ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आप यहाँ पे एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर लेना। पर यहाँ दोस्तों आपका जो कॉम स्किल है वो टॉप क्लास होना चाहिए और आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड वो भी अच्छी हो। और इसके अलावा दोस्तों आप मेनली जो सेल्स वाली सारी स्किल रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि लोगों से बात करना, पेशेंस रखना, फॉलोअप स्ट्रांगली करना, ये सारे काम दोस्तों आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, सो गाइस ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। यहाँ पे कैसे अप्लाई करना उसकी बात करें, सो गाइस देखो अप्लाई करने के लिए मैं आपको नीचे देने वाला हूँ एक गूगल फॉर्म, आपको उस गूगल फॉर्म को बहुत ही स्मार्टली फिल करना दोस्तों। देखो गाइस यहाँ पे क्या है कि लोकेशन तो ऑल द वर्क फ्रॉम होम का बहुत सारा, मतलब ऑलमोस्ट पैन इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, पर इन फ्यूचर दे कैन आस्क यू टू कम टू द लोकेशन टू द बैंगलोर। वो दोस्तों कब बुलाएंगे शोर में, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आगे कभी आपको बैंगलोर बुला रहे हैं 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, तो वो आप देख लेना, उसके लिए आपको रेडी दोस्तों रहना पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस देखो इस गूगल फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर डिटेल डालने हैं। क्या बोल रहे हैं, आपका ईमेल आईडी डालना दोस्तों, आपका यहाँ पर डालना है दोबारा दोस्तों ईमेल आईडी पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पे ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको कोल्ड कॉलिंग विद कस्टमर करना है, रेडी टू वर्क फॉर 6 आवर्स, तो ये सारा दोस्तों आपको रहेगा ही। इसके बाद बोल रहे हैं आर यू इंटरेस्टेड इन वर्क विद सेल्स रोल, तो यहाँ दोस्तों यस करना है। डू हैव अ लैपटॉप एंड स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पे भी आपको यस करना। आर यू कंफर्टेबल टू मेकिंग 50-100 कॉल, यहाँ पे दोस्तों आपको यस करना है। आर यू कंफर्टेबल टू वर्क 6 डे पर वीक एंड मिनिमम 10 आवर्स इन अ डे, तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको यस करना है। इसके बाद
आपका नाम डालना है, ईमेल डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, व्हाट्सअप नंबर डालना है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ दोस्तों आप 6 मंथ टू 1 ईयर कर देना अगर आप फ्रेशर भी हैं तो। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस इन सेल्स रोल अगर है तो डाल देना, नहीं है दोस्तों अदर कर देना आप। इसके बाद करेंट इन प्रीवियस रोल, करेंट ऑफ प्रीवियस रोल क्या है वो डालना है, अगर नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे आप एन ए या फ्रेशर लिख सकते हैं। करेंट ऑफ प्रीवियस कंपनी यहाँ पे भी नहीं है तो आप एन ए लिख देना दोस्तों, ऑल दो जिन्होंने पहले काम करा उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री हो है तो यहाँ पे जो भी आप डाल सकते हैं। करंट सिटी से क्या है आपका वो डालना आपको, एक्सपेक्टेड सिटी से क्या है दोस्तों वो डाल देना आप। तो यहाँ पे मैं तो बोलूंगा कि 4.5 से 5 ही डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एजुकेशन डिग्री आपको डालना है, यहाँ पे ब्रांच का था वो डालना आपका, यहाँ पे पास आउट ये डालना है, यहाँ पे लैंग्वेज दोस्तों कौन कौन से आपको हिंदी और इंग्लिश आते हैं तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर पूछ रहे हैं आपका, और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, एज डालना है, नोटिस पीरियड डालनी है आपकी, जिस कंपनी में काम करें, नहीं करें तो यहाँ 0 डाल देना आप। और इसके बाद आपका लोकेशन अभी क्या है तो वो मेंशन करना आपको इनमें से, और इसके बाद मतलब अगर नहीं है तो नियर बाई लोकेशन मेंशन कर सकते हैं। और प्रेफर्ड लोकेशन दोस्तों यहाँ पे बैंगलोर ही होने वाला है जो कि आपको आगे बुलाएंगे, तो यहाँ पे तो आपको क्लिक करना ही पड़ेगा। और इसके बाद रीजन डालना है जॉब चेंज के लिए, और इसके बाद दोस्तों आपको रिज्यूम अटैच करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सो गाइस ये आपको स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है अप्लाई करने के लिए। आई होप दोस्तों कि मैंने इस वीडियो में सब कुछ मेंशन कर दिया होगा, पर स्टिल कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका रह गया है आप 100% गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हम शाम को दोबारा मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।